आप और मैं हूँ दिव्या और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द सेल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है मेरा लास्ट डे जयपुर में। आज के दिन ही मैं जितनी जगह घूम सकती घूमूंगी, अदरवाइज मैं फिर घर वापस आ जाऊंगी। मैं अभी सुबह सुबह जस्ट सो के उठी हूँ, नहा धो के आई हूँ और अभी मैं अपना मेकअप करने बैठी हुई हूँ। सो आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं कम से कम एक पैलेस तो घूमूंगी और कुछ शॉपिंग करूंगी और जयपुर के जो अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड्स होते हैं वो खाऊंगी। यहाँ पे आके अभी तक मैंने जयपुर के ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया है। सो आज का मेरा टारगेट मेन वही रहेगा, बट इन अ बजट फ्रेंडली वे, क्योंकि कल मैं गई थी बापू बाज़ार और वहाँ पे कर ली थोड़ी शॉपिंग। तो मेरा जो इस जयपुर की ट्रिप का 5000 का बजट था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए मैंने प्लान किया है कि आज मैं सारे लोकल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं आ गई हूँ जयपुर के मेट्रो स्टेशन पे, क्योंकि कल मैंने शॉपिंग में कुछ ज़्यादा ही पैसे उड़ा दिए थे और मेरे जयपुर के ट्रिप का बजट 5K था, जो कि कल रीच हो गया। तो आज मैंने डिसाइड किया है मैं चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लूँगी। सो मैं कोई भी टुकटुक या फिर ऑटो नहीं करूँगी, मैं मोस्ट प्रोबेबली मेट्रो, और अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे रहा तो पैदल ही जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मेट्रो पे और मेरा जो होटल था वो मेट्रो के बहुत ही पास था। तो मैंने होटल लेते हुए सारी चीज़ें देखी थी कि मेट्रो के पास और सेंटर ऑफ द सिटी में, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला। अब चलते हैं, यहाँ से टिकट लेते हैं और यहाँ से जाते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। मैं जा रही हूँ चांदपुर से बड़ी चौक पर और मेट्रो ने मुझे चार्ज किया ₹10। दो ओरिजिनल प्राइस ₹6 ही होता है, बट उनके पास चेंज नहीं थे। मैं चांदपुर से मोटो बाइक नहीं लेके बड़ी चॉपर से मोटो बाइक लेने का इसलिए डिसाइड करा क्योंकि चांदपुर से कोई मोटो बाइक मुझे आमेर फोर्ट के लिए डायरेक्ट नहीं मिल रही, बट बड़ी चॉपर से मिल रही थी। सो अब मैं आ चुकी हूँ आमेर फोर्ट पे। आमेर फोर्ट की एंट्री टिकट है ₹100 और यहाँ पे आपको बड़ी चॉपर से चांदपुर तक, सॉरी बड़ी चौपर से आमेर फोर्ट पे आने का आपका खर्चा ₹90 तक पड़ सकता है, और जहाँ से मैं आई हूँ तो ₹100 तक का खर्चा यहाँ पे आने का पड़ा मुझे, बट ये बिल्कुल वर्थ इट एक्सपीरियंस था। बाय द वे, आमेर फोर्ट की मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पे कवर रखी है, तो प्लीज़ जाके उसे देख लो। चलो, जयपुर घूमना तो बहुत कुछ हो गया, अब जयपुरी खाना और लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ खास जयपुरी चीज़ें ट्राई नहीं की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह है जयपुर की पानीपुरी। इसका रेट 10 से 20 रुपए अलग अलग जगह था, बट पीसेस 4 भी लेंगे, और ये दही पापड़ी 3 पीसेस। इट्स टी टाइम बेबी। मैं यहाँ पे ये बकबक कर रही हूँ कि मेरे पास जयगढ़ फोर्ट की टिकट है बट टाइम नहीं, सो इसलिए मैंने उसे छोड़ के खाने को ज्यादा प्रेफर किया और मैं आ चुकी हूँ हवा महल के पास खाने पीने। सो अब चलते हैं और खाते हैं दाल बाटी, जो कि जयपुर की फेमस है, बट उससे पहले लेट्स ट्राई आउट प्याज की कचौड़ियाँ। चीज़ जो मुझे जयपुर में बिल्कुल पसंद नहीं आई वो कि ये यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, मैगी तो हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएगा, लेकिन जयपुर का जो ऑथेंटिक खाना है, जो ट्रेडिशनल खाना है, उसे खोजने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। लाइक मुझे दाल बाटी चूरमा खाना था बट वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। आई मीन बिहार या यूपी में जाओ तो लिट्टी चोखा हर ठेले पे मिल जाता है, पर दाल बाटी चूरमा आपको नहीं मिलेगा उस तरीके से। दाल बाटी चूरमा खाने के लिए आपको रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा और वो आपको राजस्थानी थाली के साथ ही लेनी होगी, तभी मिलेगी। खैर, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी रेस्टोरेंट में और उनसे बार्गेन करके दाल बाटी चूरमा ही बस लूँगी, क्योंकि पूरी राजस्थानी थाली खाने का मेरे पेट में अभी बिल्कुल भी जगह नहीं बची। सो लेट्स ट्राई आउट कि मेरी ये निंजा टेक्निक काम करती है कि नहीं करती है। सो लेट्स गो आउट एंड फाइंड आउट कि मुझे दाल बाटी चूरमा कहाँ पर मिलेगा। तो अभी मैं उस रेस्टोरेंट के पास आ चुकी हूँ जहाँ लोगों ने मुझे बोला था कि दाल बाटी चूरमा मिलेगा। सो लेट्स गेट इनसाइड। फाइनली बहुत खोजने के बाद हवा महल के पास ही मुझे एक ऐसा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ मुझे दाल बाटी चूरमा अलग से खाने को मिल गया, राजस्थानी थाली से बाहर निकाल के। ये दाल बाटी चूरमा मुझे पड़ा 120 का,
इसमें दो बाटी, हाफ प्लेट दाल और थोड़ा सा चूरमा था। सो अब जल्दी जल्दी दाल बाटी चूरमा खाते हैं और देखते हैं मेहनत का फल कैसा है। सो मुझे देखने में ही एक कम्फर्ट डिश लग रही है, लाइक प्लेन सिंपल। मे बी मुझे कोई और फैंसी दाल बाटी चूरमा किसी जगह पे खाने के लिए मिल जाती, बट मैं यहाँ का ऑथेंटिक खाना चाहती थी जैसे लोग रोज़ खाते हैं। सो उसके हिसाब से मुझे ये ठीक लग रही है। ये एक ओके टाइप की डिश थी एंड इट वॉज गुड टू हैव। मतलब एक बार अगर आप राजस्थान आओ तो दाल बाटी चूरमा आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये एक बहुत ही कम्फर्टिंग डिश है, प्लेन एंड सिंपल। सो खा के राजस्थान आके दाल बाटी चूरमा खा के ही जाना। सो अब चलते हैं आगे क्योंकि मुझे जाना है घर और यहाँ पे हो रही है मुझे देरी। ये था मेरा लास्ट डे एट जयपुर, जो कि बहुत ही अच्छा बीता। मैंने घूमा फिरा, खाया पिया और थोड़ी शॉपिंग और कर ली। सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को ढेर सारा प्यार देते रहो। फ्यूचर में मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक